एक ओर पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकारी कवायद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक विकास के नाम पर एक ऐसे उद्योग को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। यदि इससे मंजूरी मिलती है तो उसके लिए सैकड़ों पेड़ों की बलि देनी होगी, जबकि सरकारी नियम इतनी बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से लगे पेड़ों को काटे जाने से बाधित करता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आवेदित क्षेत्र में धार्मिक महत्व, फलदार, औषधि व इमारती प्रजातियों के पेड़ मौजूद हैं। वहीं राजस्व अधिनियम के एक प्रावधान के अनुसार कुछ वृक्षों को काटा जाना प्रतिबंधित है। इन तथ्यों के बावजूद संबंधित कंपनी को एनओसी देने की कवायद फिलहाल जारी है। बता दें कि धरमजयगढ़ क्षेत्र में दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी को पत्थर उत्खनन के लिए करीब 10 एकड़ निजी भूमि आवंटित किए जाने के मामले में अब यह बात सामने आई है कि आवेदित क्षेत्र में 500 से अधिक पेड़ मौजूद हैं। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आवेदित भूमि पर कई फलदार, औषधि व इमारती पेड़ लगे हुए हैं। इन पेड़ों में बरगद, नीम, आम, तेंदू, भिलवा, मोहा, चार, हर्रा, सागौन, धौरा, सराई, साजा आदि प्रजातियों के वृक्ष शामिल हैं। एक विभागीय सूत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि आवेदित क्षेत्र में 500 से अधिक पेड़ों की गणना की गई है। इसके अलावा हमने भी उस जगह का मुआयना किया जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ही सैकड़ों वृक्ष प्राकृतिक रूप से लगे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि इस पत्थर खदान के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटकर वहां पर विकास कार्य के लिए पत्थर उत्खनन किया जाएगा। इसके पहले इसी आवेदित क्षेत्र के लिए अवैध सड़क बनाने के मामले में धरमजयगढ़ एसडीएम ने कहा था कि डीबीएल को नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि जांच के नाम पर नोटिस जारी करने की कार्यप्रणाली को लेकर अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है, तो कुल मिलाकर इस पत्थर खदान के लिए मौके पर लगे सैकड़ों पेड़ों को काटा जाना है, जबकि अधिनियम इतनी बड़ी संख्या में और कुछ संरक्षित प्रजाति के पेड़ों को काटे जाने को वर्जित करता है। ऐसे में आगे यह देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले इस मामले में आगे किस तरह की कार्यवाही को अंजाम देते हैं। जियाबी की विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर सरकारी नियमों को शिथिल करने का इतिहास काफी पुराना रहा है। चैनल हेड नारायण बाइन की रिपोर्ट।